चलिए और फिर जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट चैंटिंग ओंकार। सही राम। और जो भी आपका जो पीपीटी तैयार है उस पीपीटी को आप मुझे या तो मेल करेंगे, मेल नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पे जरूर भेजेंगे सारे ग्रुप लीडर्स, यशमित, आद्रता, अदित्रि, संकल्प, संकल्प कहाँ है, चले गए क्या मीटिंग में से, नहीं है संकल्प, संकल्प कैमरा ऑन कीजिए, संकल्प और एक और कौन है, आर्यन, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चे मुझे जैसे ही आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, उससे पहले, प्रेजेंटेशन से पहले मुझे कल की डेट में शाम तक आप अपना पूरा फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ जो भी मैंने करेक्शन बोला है मैथ से रिलेटेड जो भी कुछ है सब टीचर से करवा करके आप मुझे थर्सडे को भेज देंगे, तो फिर मैं उसमें बता दूंगी आपको कि उसमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना फाइनली, और ट्यूजडे को फाइनल फाइनल प्रेजेंटेशन है क्योंकि मैंने डेट ट्यूजडे का ही लिखा है उसमें, ठीक है बेटा, क्योंकि लंबा खींचने से मतलब नहीं है, हम आगे भी कुछ सोचेंगे और सारे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सारे बच्चे अपने लीडर को सपोर्ट करें, अकेले लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, वो लीडर बना है इसका, ये उसका, उसकी कोई गलती नहीं है अगर वो लीडर बना है तो, आपने उसको मिलकर के लीडर बनाया है तो आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा और उसको भी, उसको पीपीटी बनाने में हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम अपना नया पार्ट शुरू कर रहे हैं और जिसको भी कोई डाउट हो तो क्लास के बाद आराम से पूछ सकता है। पार्ट 13 कौन सा पार्ट है, स्वामी की दादी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वीडियो देख लेते हैं टाटा क्लास से। आशा है मैं, आप सबने पाठ पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या मैम? आपने कल वीडियो भी साईराम ध्यान से सुनिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है बस ध्यान से सुनिए। स्वामी की दादी। ये कहानी एक दादी और उनके पोते की है जो एक दूसरों को अपनी अपनी पसंदीदा कहानी सुना रहे हैं। स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ बंद सी कोठरी में रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों 3 चादरों 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 2 बक्से जिसमें से एक छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। एक दिन रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। उसने बड़ी प्रसन्नता से दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। उसने अपनी दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहां की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। ये सुनकर दादी बहुत प्रभावित हुई। दादी को अपने पुराने दिन याद आने लगे। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मैजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में कांपते हुए खड़े रहते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को बताया कि उसके दादाजी से डरकर खूंखार से, कौन है ये मैम? मैम रौबदार क्या होता है? बेटा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पहले मैंने आपको बोला था ना बेटा जब वीडियो चला करे तो आप थोड़ा सा रुका कीजिए, ठीक है बेटा, क्योंकि फिर वीडियो लिंक टूट जाता है,
ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं सारे शब्दों के अर्थ बताऊंगी आपको, ठीक है। खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन उबने लगा और उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई। फिर उसने दादी को बीच में ही रोक दिया और राजम के बारे में बताने लगा। उसने दादी को बताया कि राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह अच्छे अंक लाने चाहिए। दादी फिर स्वामीनाथन के दादाजी के बारे में बताने लगी कि कैसे वे कम से कम समय में सवालों का जवाब दे देते थे और कैसे एमए पास करने पर उनको बड़ा मेडल मिला था। दादी ने बताया वो मेडल वो कई सालों तक अपने गले में पहनी रही। फिर उन्होंने उस मेडल को स्वामीनाथन की बुआ को दे दिया, लेकिन बुआ इतनी बेवकूफ निकली कि उसे गलव कर फिर चूड़ियां बनवा ली। स्वामीनाथन दादी की बातों से उबने लगा और उनकी बातें काट कर राजम के बारे में बात करने लगा। स्वामीनाथन ने दादी को बताया कि राजन ने बचपन में शेर मारा था। जब उसके पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजन भी उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजन का पीछा किया। राजन ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली से मार गिराया। राजन की बहादुरी भरी कहानी पर भी जब दादी कुछ नहीं बोली तो स्वामीनाथन को लगा कि वो सो गई है। दादी सचमुच सो गई थी, जिसके कारण स्वामीनाथन उन पर चिढ़ गया और बोला, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि राजम तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन जब दादी ने यह विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का है तो स्वामीनाथन खुश हो गया। लेकिन सच तो ये था कि दादी ने कभी राजम को देखा तक नहीं था। उन्होंने स्वामीनाथन को खुश करने के लिए ऐसा कहा। उसके बाद दादी उसे हरीशचंद्र की कहानी सुनाने लगी, लेकिन बीच में ही स्वामीनाथन सो गया और खर्राटे लेने लगा। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे छात्र, पिता, चश्मा, शेर, लोटा आदि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे छात्रा, माता, पुस्तक, शेरनी, लुटिया आदि। अब कहानी में आए कुछ शब्दों के लिंग पहचानते हैं। वर्दी स्त्रीलिंग शब्द है, सिक्के पुल्लिंग शब्द है, हिस्सा पुल्लिंग शब्द है, दफ्तर पुल्लिंग शब्द है। अब आप भी कुछ शब्दों को खोजें और उनका लिंग पहचानें। ठीक है, समझ आ गया। अब ये पूछ रही थी रौबदार, रौबदार का क्या अर्थ होता है कोई बता सकता है? जिसका बहुत रौब जमाता हो, जो बहुत रौब जमाता हो, मतलब जिसका बहुत दबदबा हो या प्रभाव हो। ठीक है, जिसका बहुत, समझ में आ गया कहाँ है नंदिनी जी? कैमरा ऑफ कर लिया इन्होंने। नंदिनी जी कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑफ करने से जिसका बहुत दबदबा हो या प्रभाव हो, जैसे पुलिस वाले लोग होते हैं उनका बहुत प्रभाव होता है ना, जैसे हम वो कुछ भी कहते हैं तो हम लोग सुनते हैं। अब इस पूरे लॉकडाउन में आपने देखा था कोविड के टाइम पे वो लोग घूम रहे थे और हमको सेफ्टी रूल्स के लिए बता रहे थे कि हमें मास्क पहनना चाहिए, इतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए।
तो इसी तरह से ठीक है। अब जो कुछ शब्द कठिन शब्द हैं उनके अर्थ मैं बता देती हूँ ठीक है। जैसे इसमें एक शब्द है बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार, हवादार मतलब जहां खूब हवा आए। गलियारा, गलियारा मतलब संकरा रास्ता, गली की तरह का सीधा रास्ता ठीक है। कोठरी, कोठरी मतलब छोटा कमरा ठीक है। फिर एक शब्द आया है पटसन, पटसन के रेशे, पटसन मतलब एक पौधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरे, टाट और गलीचा आदि बनाए जाते हैं। अब रेशा, रेशा मतलब महीन सूत होता है ठीक है। वर्गाकार, वर्गाकार मतलब चौकोर। सुरक्षित, सुरक्षित मतलब, सुरक्षित मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? जिसकी भली भांति रक्षा की ठीक है। अधीक्षक, अधीक्षक पुलिस अधीक्षक मतलब प्रधान अधिकारी, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना प्रधान अधिकारी है। प्रभावित, प्रभावित मतलब जिस पर प्रभाव पड़ा हो ठीक है। फिर है दफ्तर, दफ्तर मतलब होता है कार्यालय। क्या हुआ तन्वी, कुछ कहना चाह रही है बेटा? नो मैम, वो मैंने ऑफिस कहा था जो आप कह रहे थे। मैम ताबे मतलब क्या होता है? कौन पूछ, क्या पूछ रहे हैं? मैम ताबे, तांबा, तांबा मेटल है, मेटल है जैसे सोना, तांबा, चांदी, समझ में है? तांबे के बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा आजकल बोला जाता है ना, किसने देखा? पीतल ठीक है, किसने देखा था तांबे के बर्तन? किसके किसके घर में है? मैम मेरे पास तांबे और पीतल मैम मेरे पास बोतल है, बोतल है और ग्लास है, मेरे पास बोतल है और एक बोतल जो मैम हमारे पास तांबे की थाली, बोतल और ग्लास है ठीक है। हमारे पास तांबे की सिर्फ ग्लास है और सब पूछा। हम काम कर रहे हैं, मैं आपको ना और थाली है ओके। सायरा में शांत जी, मैं आपको इसका गोल्डन कलर का होता है। हाँ गोल्डन नहीं होता है वो पीतल होता है जो गोल्डन कलर का है। हम ब्राउनिश होता है। हाँ ब्राउनिश होता है। देखिए किसका ऑन है कैमरा, त्रिनंजॉय? देखिए हवादार मतलब जहां खूब हवा आए। गलियारे, गलियारे मतलब गली की तरह का सीधा रास्ता, संकरा रास्ता। कोठरी, छोटा कमरा। पटसन, एक पौधा जिसके रेशे से रस्सी, बोरे, टाट और गलीचा आदि बनाए जाते हैं। रेशा, महीन सूत। वर्गाकार, चौकोर। सुरक्षित, जिसकी भली भांति रक्षा की गई हो। अधीक्षक, प्रधान अधिकारी। प्रभावित, जिस पर प्रभाव पड़ा हो। दफ्तर, कार्यालय। खूनखार, खतरनाक हिंसक। परीक्षक, परीक्षा या इम्तिहान लेने वाला व्यक्ति, जांच करने वाला व्यक्ति, इसको हम इन्विजिलेटर बोलते हैं इंग्लिश में। महामूर्ख, जो बहुत बड़ा मूर्ख या ना समझ हो। डेरा, डेरा मतलब पड़ाव भी होता तंबू भी होता है। यकीन, विश्वास। उल जलूल मतलब ऊट पटांग। चेतावनी देना मतलब किसी को सावधान करने के लिए की जाने वाली बात। शानदार, बहुत अच्छा। समर्थन, साथ देना। खर्राटे, सोते समय मुंह से निकलने वाली खर खर की ध्वनि। ठीक है, समझ आ गया मैम? निशान प्लीज यस मैम, माइक को म्यूट कर। क्या होता है
हाँ उलझुल उलझुल मतलब ऊट पटांग जिसका कोई सेंसलेस बात है, ठीक है ना मैम। गड़बड़ क्या होता है? गड़बड़ गड़बड़ मतलब क्या होता है? कौन बताएगा गड़बड़ मतलब? कोई गलती हो जाना। और कोई और बताना चाहेगा? गलती। और मैम कोई परेशानी? मैम जो चीज हम कर रहे हैं और वो बिगड़ जाए करते काम। हाँ। बिगड़ ठीक है मैम। अब मैं एक बार पूरे इसको एक बार पढ़ देती हूँ। बैठक, बैठक मतलब जानते हैं आप लोग? आपने ये शब्द पढ़ा है? बैठा हुआ हॉल। हॉल आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था याद कीजिए? क्लास में। हाँ सेकंड में। कौन से पार्ट में? किताब। किताब वाली, मेरी किताब वाली जो पार्ट थी ना उसमें। पीयू खाना खाने वाला कमरा। प्लीज पीयू म्यूट कर लीजिए अपने आप को। भोजन कक्ष मतलब, कक्ष मतलब कमरा के बीच कम हवादार, जहां हवा कम आती हो। अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी, कोठरी मतलब छोटा कमरा में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान क्या था? अच्छा एक काम करते हैं, आप लोग रीड कीजिए मैं समझाती जाती हूँ। अनिकेत जी पढ़िए जरा, एक एक पैराग्राफ पढ़िए। बैठक और के बीच कम हवादार अंधेरी गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। वर्गाकार मतलब आपको पता है, रेशे मतलब सूत, ठीक है। भारी भर का मतलब बहुत भारी। बिस्तर जानते ही है, बिस्तर मतलब किसको नहीं पता? नंदिनी जी बिस्तर मतलब पता है ना? बेड। बेड और 5 दरियों वाला भारी भरकम बिस्तर, गद्दा, चादरें, ठीक है। लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के थे। पहले के जमाने में तांबे के सिक्के होते थे। आजकल आपने देखा होगा तांबे का लोटा भी है बहुत सारे लोगों के घर में, वो ब्राउन हल्का गोल्डन ब्राउन का तांबे का आता है। किसी के घर में है अभी? कोई दिखा सकता है मुझे? यस मैम। हाँ लेके आइए जरा मैम। तांबे का लोटा? हाँ कुछ भी ले आइए तांबे का लोटा। हम पूजा में का लोटा मेरे पास भी है। हाँ पूजा में भी। हाँ देखिए ये देखिए मैम तांबे का ग्लास मेरा। दिखा रहा है, देखिए सब लोग देखिए। हाँ मेरे पास भी है मैम। ये देखिए मैं सबको मिला था। हाँ ठीक है। और जो आप गोल्डन कलर का बोल रहे हैं, पीतल, पीतल का किसी के घर में बर्तन है? मेरे घर में ले आइए। देखिए तो तांबे का लोटा है। हाँ देखिए मैं सबको दिखा दे रही हूँ, दिखा दी तुम्हें का तांबे का लोटा, ठीक है। देखो समझ आ गया? हाँ देखो ये देखो मैं पीतल का है। मैं मेरे घर पर है पर बड़े बड़े सामान है। किसमें? स्टील है। पीतल जो होता है ना वो पीला पीला सा होता है। मैम स्टील नहीं है मैम, मम्मी बोल रही कि पीतल है।
पीतल है। अच्छा तो हमको नहीं दिख रहा होगा येलो कलर उसका, ठीक है ये पीतल है, येलो है। मैम जो मैंने दिखाया वो पीतल और तांबा ही था ना। मैंने तो आपका देखा ही नहीं, आपका कैमरा ऑन ही नहीं है, हम देखेंगे कहाँ से। मैम मैंने किया था, मैं उसे दिखाया था बेटा, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा वो। मैम वो बड़ा ग्लास दिखाया था। अरे मैं क्या कह रही हूँ तन्वीर दीदी, आपको दिख रहा होगा मगर मुझे ना, अभी मैं बताऊं तो मुझे संकल्प जी, निशान जी, नंदिनी जी, यशवंत जी, अक्षर, शौर्य, ब्रजेश, आयत, हर्षवर्धन। अच्छा हर्षवर्धन ज्वाइन कर गए, वाह वेलकम हर्षवर्धन। आयुष ये सब दिखाई नहीं दे रहे, अभी दिखाई दे रहा है मुझे संकल्प। अरे तो मैं कब कह रही हूँ कि नहीं है, मैंने बताया ना नेटवर्क हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, ठीक है। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था, कर रहा था बड़ी प्रसन्न। अच्छा कौन पढ़ रहा था उसके बाद? त्रिनंजय पढ़िए, बड़ी प्रसन्नता से भरकर। हर्षवर्धन यस मैम, आपके घर की घर का डिस्टरबेंस आ रहा है, त्रिनंजय मीटिंग, पता नहीं त्रिनंजय गायब हो गए। आरव पढ़िए। ओ दादी नहीं, बड़ी प्रसन्नता से भरकर राजम कितनी ऊंची भरकर। यहाँ से पढ़िए, बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला। प्रसन्नता मतलब खुशी, खुशी से बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। अब इसमें देखिए दो पर्यायवाची, दुश्मनी का पर्यायवाची विलोम क्या है? दोस्ती। उसने क्या कहा? राजम तो बहुत बड़ी चीज है। कौन बड़ी चीज है? राजम। राजम कौन है? एक लड़का। चलिए आगे पढ़े। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। पुलिस की वर्दी मतलब क्या होता है? पुलिस का वर्दी क्या होता है? पुलिस की ड्रेस। पुलिस के कपड़े। आपने जो वीडियो देखा होगा तो उसमें भी दिखाया होगा कि उसने पुलिस की वर्दी दिखाई। हाँ तो उसने यही बताया कि हाँ, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है तो कभी कभी क्या होता है जो बड़े लोग यकीन नहीं करते हैं, तो वो बार बार अपनी दादी को ये बता रहा, नहीं उसके पास सही में पुलिस की वर्दी है, सच उसे पुलिस की वर्दी। तो दादी पूछते, हाँ आगे पढ़िए। सच उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस पढ़ेंगे। बिगु पढ़िए। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस, सॉरी मैम, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यह कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर दादी काफी प्रभावित हुई। प्रभावित मतलब? मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैरानी मैम, हैरानी नहीं मैम, हम प्रसन्न होना, सरप्राइज इंग्लिश में नहीं, शॉक। प्रभावित का मैंने क्या बताया था? शॉक, एक्सेप्टेड मैम, शॉक जाना, इंस्पायर इंप्रेस्ड हो गई,
जिस पर प्रभाव पड़ा हो मैम इंस्पायर इंस्पायर्ड नहीं इम्प्रेस्ड ठीक है पढ़िए आगे उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दोनों ये कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रॉबदार का मिनिस्टर थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कपते हुए खड़े रहते थे उनके डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे स्वामीनाथन अधिकृत होकर उनकी कहानी खूंखार मतलब खतरनाक मैजिस्ट्रेट सब मैजिस्ट्रेट पद होता है ठीक है सब मैजिस्ट्रेट एक पद होता है चलिए हाँ पढ़िए आगे इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती ही गई इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटना को घटम मतलब मिलाती जुला इधर कुछ इधर से कुछ उधर से ठीक है बस काफी है दादी उसने रुक स्वर में कहा मैं तुम्हारे राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ अब सृष्टि पढ़िए जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं सारे नंबर मिलते होंगे नाना नानी ने पूछा अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं चलो अच्छा है लेकिन तुम भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लानी चाहिए तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों मतलब बोला जाता है परीक्षा या इम्तिहान लेने वाला व्यक्ति या जो जांच करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है परीक्षक परीक्षा या इम्तिहान लेने वाला व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है जरूरी नहीं है जैसे भी एग्जाम्स होंगे बोर्ड एग्जाम्स होंगे आपने देखा होगा तो इन्विजिलेटर्स लगते हैं yes, ma'am, हाँ और जो भी परीक्षा या इम्तिहान लेता है नमस्ते दीदियों के आज एग्जाम भी है हाँ, चलो ठीक है आगे बढ़ा किसी सवाल का जवाब देने में दूसरों के मुकाबले दसवां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे जब उन्होंने कैसे कुछ संभव है क्या सौ में से 200 नंबर मिलते हैं क्या आपके जवाब कितने भी अच्छे कहानी बना रही थी कहानी को और क्या कर रही थी दादाजी की क्या कर रही थी क्या कर रही थी उनके बातों को क्या कर रही थी
मैम वो एक स्टोरी लिखी है, स्टोरी बना रही है, मैम वो बनाई जा रही थी स्टोरी। जैसे हम लोग में से कई बच्चों की बच्चों की आदत होती है ना, कुछ भी छोटी सी भी चीज लाते हैं तो उस चीज को बड़े अच्छे से व्याख्या करते हैं, तो उसको बताते हैं। और ये वो बगल की दुकान से लाए, बोर हो जाते हैं उस चीज से। सुनिए तो सही, भले वो चीज वो बगल से लाए हो लेकिन वो बताते, अरे तुमको पता है मैं घूमने गया था ना, फॉरेन गया था, तो वहां से ये चीज लाया हूँ। वो चीज क्या हो जाएगा, भले बगल की दुकान से आई हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आई हो, लोग बड़ा चढ़ाते थे। हाँ, बढ़ा चढ़ा करके। तो दादी भी इसी तरह वो बढ़ा चढ़ा क्यों कह रही थी। अच्छा, कोई वो भी पढ़ाई करे। हाँ, यहाँ पर तो दादी इसीलिए कह रही थी कि वो दादाजी से इंस्पायर हो, वो दादाजी की तरह ध्यान दे, वो अपने उसको अपने दादाजी के बारे में। आप लोग भी जब घर में रहते हो तो आपके बाबा दादी भी कहानियां सुनाते होंगे, सुनाते हैं। Yes. और वो आपको अपनी पुरानी बातें बताते होंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे। उसको कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि आप कुछ सीखें। ठीक है नंदिनी जी, कोई डाउट है आपको? नो मैम। ठीक है, आपको पता चल गया ना सबमर्ज स्टेट क्या होता है? Yes. क्या होता है? उसका संबंध न्यायालय से होता है, न्यायालय मतलब कोर्ट से। एक ये पद है, ठीक है, दंड होता है। मैम जो ऑर्डर ऑर्डर करते हैं। हाँ, जज, दंडाधिकारी, ठीक है। आगे पढ़े, आगे कौन पढ़ेगा अब? संकल्प सलोनी पढ़िए। ओके मैम। उन्होंने एमए किया तो उन्होंने इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारी पिता, क्या था तब? बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर चार चूड़ियां बनवा ली और वहाँ गलवाकर मतलब गलवाकर मतलब क्या हो रहा है? किसी भी चीज को करना, मुझे पिघलाना। आपने कभी सुना है क्या, जैसे सोने को जो सुनार होते हैं, हम कोई भी चीज जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको हम उनको देते हैं तो वो पिघला करके उसको दूसरा शेप देते हैं, कोई और चीज बनवाते हैं। यस मैम। यस मैम। मैंने गोल्ड फिंगर ट्रॉफी बना देते हैं, मेडल बना देते हैं। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोने के कॉइन्स होते हैं, सोने के बिस्किट होते हैं, तो क्या हम बिस्किट थोड़ी, बिस्किट तो ओरिजिनल होते हैं, प्योर होते हैं। अब फिंगर्स भी। बोलिए संकल्प। उसको क्या किया जाता है? उसको गलाया जाता है, गला करके फिर उसको क्या किया जाता है, अलग अलग शेप्स दिए जाते हैं। आपको जो भी चीज पहन बनवाना हो, हार बनवाना हो, चूड़ी बनवाना हो, ठीक है बेटा, वो ठोस नहीं, अगर वो प्योर गोल्ड होगा तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। सिक्के कैसे बनाए जाते हैं? सिक्के, सिक्के कैसे बनते हैं? अब आप मुझे बताएंगे सिक्के, आपने कभी देखा सिक्के बनाने का प्रोसेस? मैं पहले उसे गोल्ड कर दूँ, पहले सोने को पिघलाएं, उस स्टेंसिल में उसे रखेंगे, फिर उसे ड्राई करेंगे। मैम मैंने देखा है, आप देखो बता रही है ना, आप ये सब चीजें आपको देखनी चाहिए,
कभी आप हिस्ट्री टीवी वगैरह देखते हो तो उसमें चीजें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें कैसे बनते हैं। मैम एक मंदिर में तो बहुत सारे सिक्के भी फेंके जाते हैं। कोई भी चीज को जब गलाएंगे तो वो कौन से फॉर्म में हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। फिर उसको क्या करेंगे, जो मोल्ड्स आते हैं उसमें डालेंगे, में शेप देंगे, शेप दे देंगे। आगे चलिए सलोनी। हाँ मामूली सी चूड़िया की मैं हमेशा करती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और आप महामूर्ख मतलब ना समझ मैम, पागल नहीं, पागल चीज अलग है, ठीक है ना। हाँ चलिए। दादी तुम बेकार की पुरानी अनिया सुनाती रहती हो। रुकिए आयत पढ़िए आगे। आयत जी। यस मैम। पढ़िए। हर्षवर्धन जी पढ़िए। यस मैम। आयत अगर हम अपना कैमरा ऑन करके बैठे ना बेटा तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। हर्षवर्धन जी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं पढूं? पढ़िए निशांत जी। मैम शुरू से। शुरू से मैम बैठक और भोजन कक्षा के बीच से। मैम शुरू से मैं पढूं? अरे निशांत जी आप क्लास में रहे नहीं हैं। एक मिनट, ये तीन चार बच्चे बिल्कुल माइक अनम्यूट नहीं करेंगे प्लीज। मैम मैं बात कर रहा हूँ प्लीज। मैं कहाँ पर पढ़ूंगा? मैम इतना ही पढ़वा दीक्षा। पढ़िए दीक्षा। पढ़िए पढ़िए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कितने बच्चे सुनते ही नहीं है, पता ही नहीं। मैं यस मैम। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ बोलो। दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अभी आपको शब्दार्थ बताए थे तब मैंने बताया था बेटा पड़ाव तंबू। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा। आपने जब देखा होगा ये टाटा क्लास सच में जो वीडियो दिखा रहा था उसमें दिखा रहा था कि एक राजम के पीछे जा रहा था शेर और एक उसके पिता को घायल कर रहा था, उसके पिता नीचे गिरे हुए थे। यस मैम दिखाया था। यस किया और वहां पर राजम एक की पिक्चर भी दिखा रहा था, दिखा रहे थे। चलिए हाँ। झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। रुक जाइए मैं पढूंगा। मैं मेरे को पता। मैं
अभी मैंने बोला है सिर्फ आर्यन पढ़ेंगे। निशांत जी आपको एक बार मौका दिया था मैंने, चलिए निशांत आर्यन पढ़िए, शौर्य पढ़िए। शौर्य भी किताब लेकर के नहीं बैठे हैं। सर मैं क्या तुम सो गई, उसने होने पर पूछा। नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। दो शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथ दादी के गलत स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। मतलब मैम पर बुक में तो वही लिखा है। मैम सोचना, बुक में तो दो शेर ही लिखा है। क्या मैम स्टोरी में लिखा है कि दो शेर झपटे। मैम नींद में कुछ बड़बड़ाता। मैम दो शेर राजा को थोड़ी झपटे थे। मैम उसने पिता को भी तो झपटा था। एक दो शेर झपटे, लेकिन शेर किस पर झपटे थे? उसके पापा गिराया था और दूसरा राजम के पीछे भागा था। पीछे से हमला करके पिता को गिराया, दूसरे ने राजम को। उसका प्रश्न क्या था? अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। तो उसने कहा दो शेर राजम पर चपटे थे, तब वो चढ़ गया। समझ आ गया रब आपको? Yes, ma'am. दो शेर तो सही बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या बोला? दो शेर राजम पर झपटे थे, तब वो चढ़ गया। कितने शेर राजम पर झपटे थे? राजम पर तो एक ही शेर झपटा था, ठीक है ना? और एक उसके पापा के ऊपर झपटा था। एक उसके पापा के ऊपर, ठीक है बेटा। अब टाइम हो रहा है, एक काम करेंगे, ये रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है अगली क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए शांति पाठ करेंगे। अनिकेत जी खेल रहे थे। शांति शांति शांति। सायरा मैम, आप शब्दार्थ जीतते ना।